हेलो दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही के दिनों में एक खबर आती है जिससे पूरे देश में एक नई कोरोना के खिलाफ जो है या कोरोना की राहत के लिए एक नई उम्मीद जागती है और वो है कोवैक्सीन। अलग अलग मीडिया चैनल और अखबारों में एक खबर आती है कि 15 अगस्त को कोवैक्सीन नामक एक देसी वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। इसके बाद देश में बहस छिड़ जाती है कि क्या कोवैक्सीन को जल्दबाजी में बनाया जा रहा है, क्या बिना किसी प्री क्लिनिकल ट्रायल के बगैर ही इस दवा को मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। और यहाँ से शुरुआत होती है देश की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन की। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरीके से कोई भी वैक्सीन बनाई जाती है और क्या कोवैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है। बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज योगेंद्र सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया है HBTI कानपुर से। SSC CGL का 2017 और 18 का Tier 3 दिया है। IB और UP SSSC का लोअर का इंटरव्यू दिया है। रेलवे NTPC का साइको दिया है और भी बहुत कुछ। इसके साथ साथ मुझे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर अभी तक आपने हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि आपको वहाँ पे मिलेंगे लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस और मैं मिलूंगा आपको प्लस कोर्सेज पर। इसके साथ ही अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन और PDF मिलेगा। अगर आप अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है तो आप हमारे साथ सब्सक्रिप्शन में भी जुड़ सकते हैं। SSC एग्जाम का सब्सक्रिप्शन बहुत ही सस्ता है, 300 रुपए से शुरुआत होती है। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आप 6 महीने 12 महीने का लेते हैं तो ये आपको पड़ता है मात्र 500 रुपए पर मंथ, मतलब 6,000 का। लेकिन अगर आप मेरा कोड योगेंद्र अप्लाई करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलती है। तो अगर 12 मंथ का आपने लिया है तो ये घटके हो जाएगा 5,400 का, और अगर आपने 24 मंथ का लिया है तो ये हो जाएगा 6,480 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन क्या है? कोवैक्सीन। ये वो खबर है जिसके बाद पूरे देश के अलग अलग मीडिया अखबारों में और चैनलों में इसके लेके बहस छिड़ जाती है। 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है कोरोना की देसी वैक्सीन। अब ये खबर इतना ज्यादा ऐसी क्या है इसमें कि लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। इस पे सवाल उठाने का पहला वो जो रीजन है वो है इसके क्लिनिकल ट्रायल की फीस को लेकर। पूरा मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहली चीज तो ये खबर क्या है वो आप समझ लीजिए। खबर ये आती है कि यह जो COVID-19 का जो ह्यूमन ट्रायल फेज 1 है, कोवैक्सीन के बारे में बात हो रही है कि इसका जो फेज 1 और फेज 2 है, इसकी मंजूरी पाने वाली भारत की पहली जो स्वदेशी वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन। क्योंकि इसके पहले और किसी भी दवा को या वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल फेज 1 और फेज 2 की मंजूरी नहीं मिली है। ये जो दवा है ये BVIL ने ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाई, मतलब दो अलग अलग लोगों ने मिलकर इसको बनाया। दो बॉडी है, एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और दूसरी जो है वो BVIL है, भारत बायोटेक की इसकी बात हो रही है, BVIL भारत बायोटेक की बात हो रही है। और इन दोनों ने मिलकर ये वैक्सीन बनाई है। बनी कहाँ पर है? भारत हैदराबाद की जिनोम वैली में। हैदराबाद की जो जिनोम वैली है वहां पर बायोटेक की जो है एक लैब है BSL-3, वहां पर ये दवा जो है वो बनाई गई है। अब ऐसा क्या था, ये जो ट्रायल है फेज 1 फेज 2, आप सोच रहे होंगे सर क्या बता रहे हैं, ये ट्रायल ह्यूमन ट्रायल फेज 1 क्या होता है, ह्यूमन ट्रायल फेज 2 क्या होता है और ये प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं। मैं बता देता हूँ आपको कि कोई भी दवा बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ ट्रायल होते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि इन्हें ये अलग अलग मानकों पर रखा जाता है कि ये दवा सेफ है या नहीं। तो सबसे जो पहला ट्रायल होता है उसे हम कहते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। इस प्री क्लिनिकल ट्रायल में दवा का जो ट्रायल है वो किया जाता है जानवरों पर, एनिमल्स पे किया जाता है और देखा जाता है कि उसको खाने के बाद, उसको यूज करने के बाद जानवरों पर क्या लक्षण आ रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे ट्रायल जो है वो जानवरों पर किए जाते हैं। जब ये सुरक्षित हो जाता है, जब इसके जो रिजल्ट है पॉजिटिव आते हैं तो उसके बाद स्टार्ट किया जाता है ह्यूमन क्लिनिकल फेज 1। अभी जो ह्यूमन क्लिनिकल फेज 1 है ये कुछ थोड़े लोगों पर, लगभग 4 या 5 लोगों पर किया जाता है, डिपेंड अपॉन ऑन देयर एजेस, उनकी एज क्या है। अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को लिया जाता है, अलग अलग सिम्टम्स के लोगों को लिया जाता है। कुछ सीवियर होते हैं, कुछ जो है मॉडरेट होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स वाले होते हैं, उन सभी लोगों उसमें इंक्लूड किया जाता है। जब ये सफल हो जाता है तो उसके बाद आता है ह्यूमन क्लिनिकल फेज 2, जिसमें 100 लोगों पर ट्रायल किया जाता है। तो जो कोवैक्सीन है उसको मंजूरी मिली है ह्यूमन क्लिनिकल फेज 2 करने की। दोनों ही फेज में ये दवा अपने ट्रायल कर सकती है, और जब ये दोनों सफल हो जाते हैं तो फिर लास्ट फेज आता है ह्यूमन क्लिनिकल फेज 3, जिसमें 1,000 लोगों पर इस दवा का ट्रायल किया जाता है।
अब आप समझ गए होंगे कि इन तीनों फीजों को कराने में काफी समय लग सकता है, इसकी जो जो रिपोर्ट है उसको आने में काफी समय लग सकता है। इसीलिए ये कहना कि 15 अगस्त तक ये दवा लॉन्च हो जाएगी, ये मुझे लगता कुछ जल्दबाजी रहेगी। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कोवैक्सीन का जो ट्रायल है वो कैसे चला है। तो मई की शुरुआत में एचआईवी लक्षण ना दिखने वाले एक कोविड-19 के मरीज से वायरस का एक स्ट्रेन BVIL को भेजा गया था। एक ऐसा मरीज था जिसके एचआईवी के लक्षण नहीं थे, बाकी सारे लक्षण थे, तो उसमें कोरोना पॉजिटिव था, उसका एक वायरस लिया गया और BVIL की लैब को भेज दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, इस कंपनी ने वायरस का उपयोग इनएक्टिवेटेड वैक्सीन तैयार करने के लिए किया था। अब ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या है, जिस वैक्सीन से मृत वायरस का उपयोग किया जाता है या जिस वैक्सीन में मृत वायरस का उपयोग किया जाता है उसे हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं। मतलब जो वायरस लिया गया है वो एक्टिवेटेड नहीं, जो वायरस लिया गया है वो इनएक्टिवेटेड है, मतलब मरा हुआ है, और उस वायरस के आधार पर वैक्सीन बनाई जा रही है, इसलिए इसे हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद जो कोवैक्सीन है इसका उपयोग, इसका ट्रायल किया गया जानवरों पर। कौन कौन से जानवर थे, गुआना पिग और चूहे जैसे जानवरों पर इसका ट्रायल किया गया, और ये पाया गया कि ये जो ट्रायल है ये सही है, ये सुरक्षित है, इन जानवरों पर इसके कोई भी विपरीत लक्षण या नकारात्मक लक्षण नहीं आए। और इसके बाद इसकी रिपोर्ट को भेज दिया जाता है ICMR में, जहां उसे मंजूरी मिल जाती है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल 1 और ह्यूमन क्लिनिकल फेज ट्रायल 2 के लिए। तो आई होप कि आपके सारे जो डाउट्स रहे होंगे कि कैसे वैक्सीन का निर्माण होता है वो ओवर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लिखा आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। याद रखिएगा, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कोड जरूर याद रखिएगा, योगेंद्र YOGENDR। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल, बाय बाय ऑल। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रखिए।